मैं सुरेंद्र प्रसाद नरेरे से रात्रि को रेडियो फ्यूजी टू मेरा रात बैठा है। हमारा नाम याकूब खान है, हम करवांगा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। रेडियो फ्यूजी टू हमारे अच्छा प्रोग्राम है, हमारे करवांगा के सभी लोग रेडियो फ्यूजी ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो फ्यूजी टू देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फ्यूजी टू से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फ्यूजी टू देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फ्यूजी टू देश की धड़कन। नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ में हूँ शैरिन शिवान। ऑफिस ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर के एक सीनियर सिविल सर्वेंट जिस पर पिछले 8 सालों में $4 मिलियन से भी ज्यादा पैसे चोरी करने के आरोप है, को आज सुबह मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया था। फॉर्मर एक्टिंग डिप्टी ऑफिशियल रिसीवर विलियम एकातिया पर दफ्तर के दुरुपयोग के 3 अभियोग, धोखाधड़ी यानी फोर्जरी के 4 अभियोग, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का 1 अभियोग, पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देने का 1 अभियोग, बिना स्वीकृति के डाटा मॉडिफाई करने का 1 अभियोग तथा अपने फायदे के लिए पैसे हासिल करने का 1 अभियोग लगा है। यह अपराध 2008 से 2016 के बीच किया गया। कातिया को जमानत पर रिहा किया गया है तथा मजिस्ट्रेट ने उसे आदेश दिया है कि वे गवाहों के साथ हस्तक्षेप ना करे और सप्ताह में 3 बार फाइकेक को रिपोर्ट करे। उस पर स्टॉप डिपार्चर भी लागू किया गया है तथा मामले को December 22 तक स्थगित किया गया है। पीजी पुलिस फोर्स हथियार काम में नहीं लाएगी। पुलिस कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सितिवेनी गिलियो ने ऐसा उस सवाल के जवाब में कहा जिसमें उनसे FBC न्यूज द्वारा पूछा गया था कि क्या पुलिस ऑफिसर्स पर वार करने वाले मामलों को मद्देनजर रखकर फोर्स द्वारा आर्म्ड यूनिट सेटअप किया जाएगा या नहीं। ब्रिगेडियर गिलियो ने बताया कि उनके ऑफिसर्स की सुरक्षा उनके लिए जरूरी है तथा ऑफिसर्स पिछले कुछ महीनों से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आर्म्ड रॉबर्स से निपटने के लिए फोर्स रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस से सहायता की मांग कर रही है। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात को दोहराया है कि वे एक भ्रष्ट यानी कि करप्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें फाइकेक ने कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन से संबंधित अभियोग लगाए हैं। इसी सप्ताह पहले एक ऑफिसर पर रिश्वत लेने के एक अभियोग, बेमानी बरतने का 1 अभियोग, बिना स्वीकृति के डाटा मॉडिफाई करने के 6 अभियोग तथा दफ्तर का दुरुपयोग करने के 7 अभियोग लगे हैं। LTI बोर्ड चेयर विजय महाराज ने चिंता व्यक्त की कि केवल कुछ LTI ऑफिसर्स की वजह से LTI के इमेज पर असर पड़ रहा है। और खेलकूद में वोडाफोन फ्लाइंग फिजियंस ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ एक वन ऑफ रग्बी टेस्ट के लिए टीम को नेम कर दिया है। कोच जॉन मैकी ने लाइनअप में कुछ बदलाव किया है। मतेसेला तालिम्बुला फुलबैक पर है तथा बेनितो मसलेवु वैसे या नयादालेवु की जगह विंग प्लेस पर चले गए हैं। जोश मतवेसी बेन बोलाबोला के बदले फ्लाई हाफ पर रहेंगे। मैच रविवार की सुबह 3:30 रहेगा, जिसके बाद 6:30 आयरलैंड की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। आप इन दोनों मैचेस को FBC TV पर लाइव देख सकेंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। वैसे याद रहे कि इन समाचारों को आप हर दिन मिर्ची FM और रेडियो फिजी 2 पर सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Hi, my name is Shreya. I'm from Mokri 8 Miles. I love Mirchi because of their music and announcers. मैं हूँ स्वास्तिका स्वास्ती, तो कोतागुआ से अश्नील और संगीता के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। I'm Arshana from Nandawa. Mirchi FM को नसीनों में लॉक कर दिया जाए। My name is Krishnesh and I'm from MGM Primary School. I listen to Mirchi FM and Mirchi FM is really hot. I love their music. हम रवनील है, सुबह से जब भी सुनता है मिर्ची FM सुनता है, मिर्ची FM इज हॉट। मैं हूँ संध्या चंद बतौर उठनारे से, मिर्ची FM और मेरा एक रिश्ता बन गया है। मिर्ची FM इट्स हॉट।